दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, जो सबसे पहला तरीका है वैसे तो बेसिक है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि आपको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो चाहे वो आपका रिलेटेड हो, किसी के साथ भी आप अपने पासवर्ड को शेयर बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप यूज करते हैं पब्लिक प्लेस वाईफाई तो कभी भी इसको यूज ना करें। क्योंकि क्या करते हैं, जब भी आप अपने पब्लिक प्लेस वाईफाई को यूज करते हैं और वहां पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको एक्सेस करते हैं, तो वहां पे ये डाटा आपका सेव हो जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अवॉइड करना है। और आगे से याद रहे, अपने ही वाईफाई का यूज करें या अपने मोबाइल डेटा का यूज करें। अब दोस्तों जो मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूं जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और इस तरीके से ही लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। क्या होता है, जनरली व्हाट्सएप पे आपने देखे होंगे फाइल अटैचमेंट के लिए आते हैं, जहां पे वो दी जाती है कि इस पर क्लिक करें तो वहां पे एक पीडीएफ फाइल खुलती है, WPS फाइल खुल जाती है। तो वो आप वैसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हैकर कुछ ना कुछ छिपा कर रखते हैं। जैसे ही आप उस पे एक्सेस करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड हैक हो सकते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों ये करना है कि आपको कभी भी फाइल अटैचमेंट पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो चौथा तरीका बताने वाला हूं वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो पासवर्ड रखते हैं वो बहुत ज्यादा आसान रख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी रख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। और मोस्टली ज्यादा क्या करते हैं लोग, अपना मोबाइल नंबर रखते हैं या क्या करते हैं अपना नेम रखते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा कि आपको अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड किस तरीके से रखते हैं। ऐसे रखने हैश का यूज करें, हैश 123 या ABCD इस तरीके से यूज करें। कभी भी अपना मोबाइल नंबर या कभी भी अपना नाम बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हैकर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या करा होगा, तो अपना आपका नाम डालने की कोशिश करते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करते हैं। और आपको बताएं, आप अपना मोबाइल नंबर नाम बहुत ज्यादा जगह यूज करते हैं, इसीलिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए आगे से याद रखें दोस्तों कि जब भी अपना पासवर्ड बनाएं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, हैशटैग का यूज करें, तो जिससे कि आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा और हैकर आपके पासवर्ड को इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएगा। तो जो मैं आपको पांचवा तरीका बताने वाला हूं, ये मैं आपको बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो इस झांसे में फंस जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। दोस्तों पांचवा नंबर का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि हमेशा अपने मोबाइल में 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखना है। ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका जीमेल हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो और चाहे तो आपका व्हाट्सएप हो, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने हमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया है। मतलब क्या होता है, इससे अगर आपका कोई हैकर है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर भी लेता है तो आपके पास एक मैसेज आएगा, वहां पे अगर आप यस और नो का दो ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो समझ लीजिए आपके अकाउंट हैक हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप वहां पे नो पे क्लिक कर देते हैं तो हैकर बिल्कुल भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा करके जरूर रखें, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप क्यों ना हो, ये दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ जरूर करना। जो मैं आपको छठवां तरीका बताने वाला हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, फाइल अटैचमेंट के साथ साथ हमारे पास ऐसे होते हैं बहुत सारे लिंक आते हैं, वो आपने देखे होंगे ज्यादातर हमारे जीमेल पर आते हैं और कभी कभार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी दे दिए जाते हैं। इस लिंक को क्लिक करें और आप यहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचते हैं तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि जब भी आपके पास कोई ऐसा वैसा लिंक आता है उस लिंक पर बिल्कुल भी ना क्लिक करें, उस लिंक से आप अवॉइड रहें, जिससे कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब दोस्तों जो मैं आपको सातवें नंबर का तरीका बताने वाला हूं ये जनरली मैं बताने वाला हूं पीसी के लिए, मतलब क्या डेस्कटॉप के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए, क्योंकि मैं यहां पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने स्मार्टफोन में इसका यूज करें।
मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई आपके पास अगर एंटीवायरस है, कोई अच्छा सा एंटीवायरस है, मैं मोबाइल के लिए कोई भी एंटीवायरस रिकमेंड नहीं करूंगा। और आपको पता है पीसी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटीवायरस आते हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा टॉप पर चलता है वो क्विक हील का रहता है। तो अगर आपके पास इस तरीके से एंटीवायरस है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अपना डेस्कटॉप चलाएं तो हमेशा उसको स्कैन करके चलाएं। स्कैन करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके पास डेली की रिपोर्ट आती रहती है, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको अपने डेस्कटॉप पीसी में हमेशा एक एंटीवायरस जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों जो मैं आपको आठवां तरीका बताने वाला हूं, ये जनरली क्या होता है, यहां पे लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। अब आपको यहां पे झूठ का इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, मैं झूठ 1-to-1 के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इंटरनेट के झूठ के लिए कह रहा हूं। क्या होता है, फॉरगेट पासवर्ड होता है हमारा, जब भी हमारा कोई लेंथी पासवर्ड होता है, टिपिकल पासवर्ड होता है, तो हम लोग जनरली पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना कोई नया पासवर्ड बनाते हो, तो वहां पे आपके साथ वो क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेगा आपके बचपन का नाम क्या है, आपके बचपन के फ्रेंड का नाम क्या है, या आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना है। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पे जितने वो क्वेश्चन करे आपसे, हमेशा उनका आपको गलत जवाब देना है। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो अमेरिका सिलेक्ट कीजिएगा, आपके बचपन का कोई दोस्त है तो किसी और के नाम से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आप हैकरों को जानते नहीं है। अगर आप वहां पे क्लियर तरीके से मेंशन करते हैं अपने फ्रेंड्स का नाम, तो आपके फ्रेंड्स के जरिए वो आप तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि आपको क्वेश्चन आंसर वहां पे हमेशा गलत देने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और ये जहां पे और इससे ही सबसे ज्यादा लोग फंसते हो, यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, ये आपको दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको अवॉइड करना है। आधे नंबर का तरीका बताने वाला हूं, ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है अब तो बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप ऐसे चल गए हैं जिनको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे वो जनरली क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से एक्सेस करने के लिए मांगते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि गूगल लिखा आता है और ऊपर आपका आता है फेसबुक या इंस्टाग्राम, बहुत सारे तरीके से आपके आते हैं, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट से आपको एक्सेस करना पड़ता है। तो उस केस में आप दोस्तों बिल्कुल ना करें ऐसा। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है तो उसको आप सोशल मीडिया के साथ एक्सेस ना करें। आप अपने जीमेल आईडी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, गूगल के साथ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट के साथ बिल्कुल भी एक्सेस ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं तो आपके डेटा को चुरा लेते हैं और चोरी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो आखिरी तरीका बताने वाला हूं, जो दसवां तरीका है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर से करना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा अच्छा भी है। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जितने भी ऐप होते हैं उनके समय समय पर अपडेट आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको अपडेट नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि MB खर्च हो जाएंगी, ज्यादातर लोगों की यही मेंटेलिटी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी कोई आप मोबाइल अपने मोबाइल में ऐप यूज कर रहे हैं उनका अगर आपके मोबाइल में अपडेट आता है तो उसको आपको अपडेट जरूर से करना है। अपडेट करने के आपके दो फायदे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बहुत सारी नई चीजें आपके पास ऐड होकर के आ जाती हैं, जैसे आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है उस ऐप के साथ पर्टिकुलर। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप अगर ऐसा करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी पैच है वो समय समय पर अपडेट होता रहता है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका हैकर आपके सोशल मीडिया को अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, और वो हैक करने ही वाला होता है कुछ दिनों के साथ, लेकिन अगर आपके मोबाइल में अपडेट आ गया है तो आप अपने उस पर्टिकुलर ऐप को अपडेट कर देते हैं, तो वो हैकर है वो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि नए सिक्योरिटी पैच के साथ वो अपडेट हो जाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर जनरली दोस्तों ऐप के साथ अपडेट आता है। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोई आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अपडेट आता है तो वो आपको जरूर से करना चाहिए। वैसे दोस्तों क्या ये वाली बात आपको पता थी, हमें कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, ये थे वो ऐसे 10 तरीके जिनसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके थे। मैंने आपको क्यों बताए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे जितने भी फोटो होते हैं, मेमोरीज होती है, वो हम लोग ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट पर ही रखते हैं, और क्या होता है अगर कोई ऐसे ही हैकर आकर के चुरा करके चला जाए तो सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए आप अगर ये सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आप हैकर से बच जाएंगे, और हैकर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको आपको जरूर से अप्लाई करना है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है। वैसे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अभी तक बने हुए हैं और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस,
टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक की चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। और मैं दोस्तों जाते जाते एक बात अगेन कहना चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो शिकार होने से बच जाए हैकर के। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।